खबर है झारखंड के पलामू से, जहां जिले के पांडू प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय मूसीखाप में स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन का मिलने वाला पैसा आज तक वितरण नहीं किया गया, जबकि 20 सूत्रीय अध्यक्ष शिव मुखिया प्रतिनिधि सुनील पांडे ने इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पूर्व में ही वितरण करने की बात कही थी। पैसा आए आज लगभग 4 माह बीत जाने के बावजूद भी बच्चों को पैसा नहीं मिल सका। जानकारी देते हुए श्री पांडे ने कहा, स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इस विद्यालय में बच्चों के बीच वितरण हेतु 4,90,246 रुपए सरकार से प्राप्त हुआ। इन पैसों के बावजूद कुछ बच्चों के बैंक खाते में भी पैसा सरकार द्वारा भेजा गया। आगे श्री पांडे ने कहा, इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा भ्रष्टाचार करने की नीयत से पैसों को अब तक वितरण नहीं किया गया, जबकि ऐसा कदापि नहीं होने दिया जाएगा। श्री पांडे ने साफ लफ्जों में कहा, अगर दशहरा पर्व के अंदर सभी बच्चों के बीच उचित राशि का वितरण नहीं किया जाता तो इसके लिए मैं झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करूंगा। इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा उठाऊंगा, परंतु बच्चों के पैसों का भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। COVID-19 का पैसा आया हुआ था, आपने कहा भी था कि हम 2-4 दिन के अंदर बंटवा देंगे, फिर भी स्कूल के द्वारा अभी तक नहीं बंटा गया, आखिर इसके पीछे क्या कारण? पहला नंबर तो दशहरा के शुभ अवसर पर पूरे पांडू प्रखंड के लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद, जो कि आप जो मूसीखाप स्कूल की जो बात कर रहे हैं, तो हमने जो है कजरू खुर्द में, जो कि सिबंडी मेरा कजरू खुर्द में मेरा विद्यालय है कजरू खुर्द, वहाँ के लोगों को बच्चे लोग को 1 से लेकर 5 तक का जो 1,000 रुपया और बाकी जो है 6 से लेकर 8 तक को 1,500 रुपया हमने बटवाया था। और एक मास्टर को हम बोले भी थे कि आप जो है दशहरा के पहले जो है 1,000 और 1,500 रुपया बांट दीजिए, लेकिन ये जो है नहीं बांटे, जो कि मैं कजरूकोट और सिवंडी में ऐसा किया है जो कि मूसीखाप में नहीं हुआ। हमको जहाँ तक पता चला है कि 155 आदमी और 71 आदमी का खाता में पैसा आ चुका है, बाकी जो है ये कुछ लोग को जो गुमराह कर रहे थे कि पैसा 194 आया है, 336 आया है, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 4,90,100+ रुपया आया है और जितना बच्चे लोग को हक है वो मिलना चाहिए। इसके लिए जो है मेरे को जहाँ तक भी जाना होगा मैं जाऊँगा। ये बहुत बड़ा ये जो है हेडमास्टर जो भ्रष्ट है इसको बख्शा नहीं जाएगा, और जहाँ तक जो है हमको जाना होगा हम जाएंगे, और इसको इनको मैं तत्काल मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूँ कि दशहरा से पहले अगर 1,500-1,000 रुपया अगर बांट देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अथवा अगर नहीं बांटते हैं तो इन पर जो है हमको जहां तक आपको शिक्षा मंत्री के पास जाना हो, डीसी के पास जाना हो, डीडीसी के पास जाना हो, हम सक्षम हैं, हम घोटाला नहीं होने देंगे। ये धन्यवाद। झारखंड पलामू से R9 भारत की ब्यूरो रिपोर्ट।